हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं दोस्तों मेरा चैनल ट्रैवल विद संजय। तो दोस्तों, आज की शाम मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एक्चुअली एक्साइटमेंट की वजह यह है कि कल मॉर्निंग में मैं निकल रहा हूं अपनी रॉयल इनफील्ड मेटियोर से पहली लॉन्ग राइड पे। और दोस्तों, ये राइड होने वाली है लगभग लगभग 1100-1200 किलोमीटर की, जाना और आना मिला करके। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे एक पूल भी डाला था जिसमें आप लोगों ने वोट किया था कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो उसी पूल के अकॉर्डिंग मैं अपनी लॉन्ग राइड पे जा रहा हूं और ये 2021 की पहली लॉन्ग राइड है जो कि 500 किलोमीटर से ज्यादा की होने वाली है। और इस लॉन्ग राइड में आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद मेरे चैनल पे आपको पहले कभी नहीं मिली होंगी। तो सामान वामान हो गया है पैक और अर्ली मॉर्निंग निकलूंगा मैं 6 बजे। और अभी देखिए टाइम हो रहा है, अभी बज गए हैं दोस्तों 7 बज गए और सामान वगैरह पैक हो गया। तो चलिए आप लोगों को दिखा दूं। बहुत ज्यादा सामान लेके नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये मेरी 4 डेज की केवल राइड है। तो 4 डेज की राइड में कुछ कपड़े और उसके अलावा कुछ जो मेरे व्लॉग के लिए जो जरूरी सामान है वही लेकर के जा रहा हूं। तो दोस्तों, रास्ते में पहनने के लिए देखो ये अपने रख लिए हैं मैंने राइडिंग जैकेट, ये मेरी राइडिंग पैंट हो गई। उसके अलावा कुछ मफलर वगैरह ये रख लिया है, टी शर्ट वगैरह, हैंकी वैंकी, ग्लव्स वगैरह और बूट वगैरह रख लिए हैं। सैनिटाइजर भी रख लिया भाई, वो बहुत जरूरी है आजकल। और इसके अलावा ये 2 बैग तैयार किए हैं जिसमें से एक बैग तो हो गया मेरा, जिसमें मेरे कपड़े लत्ते और बहुत सारी चीजें हैं। और ये है मेरा गैजेट्स का बैग, तो इसमें कैमरे, हार्ड डिस्क वगैरह, लैपटॉप वगैरह। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का यार, फटाफट से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद संजय। और हाँ, इसके अलावा आप लोग मेरा फेसबुक पेज है ट्रैवल विद संजय और उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी ट्रैवल विद संजय को आप फॉलो कर लो, जिससे कि इस पूरी राइड में जो रास्ते में मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम अपडेट्स करता रहूंगा वो भी आपको पता लगता रहेगा कि क्या हो रहा है लाइव। क्योंकि वीडियोस आने में तो थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि एडिटिंग और इन सब चीजों में काफी समय लगता है। तो अभी देखो 7, 7:15 बज रहे हैं। तो अभी क्योंकि मुझे निकलना है मॉर्निंग में 6 बजे, तो इसलिए अभी डिनर लेने के बाद में फटाफट से सो जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि कल ऑल डे राइड होने वाली है काफी लंबी। तो ऑल डे राइड के लिए नाइट में बढ़िया सा रेस्ट होना चाहिए। तो रेस्ट करते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में निकलते हैं राइड पे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये पूरा राइड। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, गुड नाइट, फटाफट आ जाओ मेरे चैनल पे, मिलते हैं अपनी इस राइड। नाउ द जर्नी बिगिंस, गेट सेट गो। जय बजरंग बली, जय साईं बाबा। तो जर्नी बढ़िया करना, मजेदार। तो ये आ गई यार वर्ल्ड फेमस जीबी पंत यूनिवर्सिटी। तो इसके अंदर से होके हम जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत पुरानी जो प्लानिंग थी, बहुत दिनों से जो मैं सोच रहा था एक लंबी राइड पे जाने के लिए, तो देखो अभी सब बजे हैं सुबह के 6:30 और जर्नी हो गई है स्टार्ट। जीपीएस वगैरह मैंने लगा दिया है, नेविगेशन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि जीपीएस में ज्यादा बेटर दिखता है और यहां पर टाइम भी दिखता रहेगा मुझको। तो आप लोगों को बता दें कि जैसा आप लोगों ने वोट किया था उसी के अकॉर्डिंग ये जर्नी कर रहा हूं मैं, अपनी राइड स्टार्ट करी है। और आपको पता ही लग जाएगा कि ये राइड कहां की होने वाली है। एक्चुअली में ये राइड है आज एक तरफ से मोर देन 500 किलोमीटर, तो टोटल राइड है दोस्तों लगभग लगभग 1200 किलोमीटर की। और आपको मिलते रहेंगे पूरे वीडियोस पे अपडेट्स और इंस्टाग्राम पे भी और मेरे फेसबुक पेज ट्रैवल विद
संजय पर। तो दोस्तों फटाफट से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पेज पे फॉलो करिए और लाइव अपडेट्स देखते रहिए। तो अभी हम चल रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में, पंत नगर में है और अभी ये रोड निकलेगी जाकर के बरेली रोड पे। तो हमारा पहला जो पड़ाव भी नहीं, वहां रुकूंगा नहीं शायद मैं, लेकिन हमारा जो पहला रास्ते में पड़ने वाला बड़ा स्टेशन है वो है बरेली। तो बरेली तक के ब्लॉग तो आप मेरे पहले से भी देख चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे ब्लॉग्स पहले से मौजूद हैं। तो चलिए आगे दिखाते रहेंगे आपको अपनी इस शानदार जर्नी को। तो लेट अस मूव, गेट सेट गो। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार, बहुत दिनों से इंतजार था इस जर्नी का। वाओ, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। क्या भाई साहब सुबह सुबह हो। तो दोस्तों अभी आने वाला है किच्छा। तो किच्छा जो है वो है उत्तराखंड का आखिरी शहर और उसके बाद हम इंटर हो जाएंगे यूपी में। और सुबह सुबह देखो यार क्या जबरदस्त नजारा है, हल्का हल्का हो रहा है फॉग, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी ठीक है। भगवान किस्मत से आज फॉग ज्यादा नहीं है और सुबह ठंडा बहुत हो रहा है यार, हाथों में ग्लव्स और इतना ये सब थर्मल लाइनर वाइनर के बावजूद भी थोड़ी थोड़ी ठंड घुस रही है, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं लग रही है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं किच्छा। डॉगी की आवाज। किच्छा पहुंचने वाले हैं दोस्तों और फॉग देख लो क्या जबरदस्त हो रहा है भाई साहब, विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है, 50 मीटर दूर भी नहीं दिख रहा है। हैजार्ड लाइट चला ली है बाइक की और ज्यादा स्पीड में चल नहीं सकते हैं क्योंकि रिस्की हो सकता है, देखते हैं कहां तक मिलता है फॉग। अरे एकदम से सही हो गया यार, कमाल है, जैसे ही मैंने कहा देखो क्या सही हो गया। गुड गुड गुड। तो ये है फ्रेंड्स किच्छा का सिटी जिसको अभी हमने क्रॉस कर रहे हैं और सुबह सुबह के टाइम में यहां पर भीड़ नहीं है, तो सुबह निकलने का यही फायदा रहता है कि भीड़ नहीं मिलती है, अदरवाइज यहां पर तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, हर समय जाम लगा रहता है। तो अभी 7 नहीं बजे हैं, लेकिन बजने वाले हैं थोड़ी देर में और रास्ते में काफी फॉग था, रोड भी बहुत खराब थी यार, तो इस वजह से यहां तक पहुंचने में भी 1/2 आवर लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आगे रोड अच्छी मिलेगी तो वो डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगी। सेफ्टी फर्स्ट, पहले सेफ्टी। टाइम तो थोड़ा ज्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा राइड सेफली, जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो तब तक आप अपनी स्पीड कंट्रोल में रखिए, जितने में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हो। तो किच्छा क्रॉस करने के बाद में फिर नेक्स्ट आएगा पहेड़ी, आगे से हमें लेफ्ट टर्न करना है बरेली रोड के लिए। तो बरेली
रोड पे रास्ते में पड़ेगा बहेड़ी, पहला यूपी का पहला ये आ गया। देखिए यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, स्पीड ब्रेकर, ओ हो। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न और फिर उसके बाद में बहेड़ी, ये आ गए यार अब हम बहेड़ी रोड पे, बरेली रोड मेन। ये एक्चुअली में स्टेट हाईवे है मगर वो थोड़ी आगे से है, जब यूपी शुरू होगा, अभी तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का बॉर्डर। यार देखो अब हम आ गए हैं यूपी में, यहाँ से दिख रहा है ये यूपी का, वेलकम टू यूपी, और पीछे उत्तराखंड छूट गया है। यार एक चीज समझ में नहीं आती है, किसी को पता हो तो बताना कि पीछे उत्तराखंड निकल गया, उसके बाद में फिर थोड़ी सी रोड थी, उसके बाद में अब यूपी शुरू हुआ। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये किस में आता है, यूपी में कि उत्तराखंड में, किसी को पता हो तो बताना भाई। बाइकों के लिए ये फायदा है, देखो अपने साइड से निकल जाओ, ये ट्रक वाले अंकल कहां से घुस गए। ये था टोल, यूपी का पहला टोल नाका, जिसको हमने पीछे दिया है छोड़, और अब हम आ गए यूपी में। खतरनाक स्पीड ब्रेकर और खतरनाक फॉग भाई साहब, हम तो सोच रहे थे अच्छे स्पीड में जाएंगे, मगर ऐसे में स्पीड में कैसे जाए, आराम आराम से ही चलना पड़ेगा हैजार्ड लाइट जला के। तो भैया ये तो एडवेंचरस राइड हो गई है, एडवेंचर राइड हो गई, जीरो विजिबिलिटी में राइड, इन जीरो विजिबिलिटी, डेंजरस सिचुएशन। चलो देखे यार कहां तक मिलेगा फॉग, सूरज देवता निकल आओ भाई, क्यों नाराज हो, आप निकलोगे तभी जाएंगे ये फॉग देवता। चलो ऐसे में तो 60-70 चलना पड़ेगा, 60 पे ही अभी मेंटेन करके रखा है स्पीड को, क्योंकि इससे ज्यादा आगे दिख नहीं रहा, इस ट्रक के पीछे लगा दे क्या। अब देखो यार फॉग वैसा, विजिबिलिटी जो है वो हार्डली 10 मीटर है, सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है, जबरदस्त लो विजिबिलिटी है, और हमारे हेलमेट के ऊपर से देखो पानी टपक रहा है भाई साहब, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में राइड, ओहो एडवेंचर का पूरा मजा आ गया, पहाड़ों से भी ज्यादा एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे तो, पता नहीं कौन कब आ जाए सामने से। बाइक की स्पीड 50 से ऊपर हो ही नहीं पा रही है, क्या करें। चलो जैसा भी है, लेट अस होप कि आगे सही हो, आगे मौसम खुल जाए।